आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बंडा की बहुत ही टेस्टी सब्जी। इस सब्जी को बनाने में ज्यादा झंझट नहीं, ज्यादा सामान का यूज नहीं है और आप इसे आप सुबह या शाम कभी भी बनाएं और खाएं, बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए आज की मजेदार बंडा की सब्जी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 kg बंडा लिए है और इसके सामने वाले पोर्शन को काट देंगे और इसके ऊपर से छिलके हटा लेंगे। हमने सारे बंडे को छील लिए हैं, तो अब देख सकते हैं इसे बीच से हम कट कर लेंगे और इसे लंबे छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। सारे बंडे को हम छोटे छोटे पीस में कट कर लिए हैं, तो अब इसे साइड में रख देंगे और चलते हैं सब्जी बनाने के लिए। सब्जी बनाने के लिए अब हमने गैस पर प्रेशर कुकर रख दिए हैं और इसे हाई फ्लेम पर गर्म कर लेंगे और इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को गर्म हो जाने के बाद 2 तेजपत्ता डालेंगे, 10 से 12 बारीक कटी हुई लहसुन को कलिया को डाल देंगे, 2 साबुत लाल मिर्च को तोड़ के डाल देंगे। ये सारी चीजों को चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। 2 से 3 पानी बंडे को हम अच्छे से साफ कर लिए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं लहसुन का कलर हल्का चेंज हो चुका है। तो अब बंडे को हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अब इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लेंगे। 7 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो चुका है और बंडे अच्छे से भुना भी चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे हींग। मसाले को भूनने के लिए अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। मसाले को लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट भून लेंगे। मसाले को 4 मिनट भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज को टमाटर को बारीक से काट लिए हैं और इसे डाल देंगे और लगातार चलाते हुए टमाटर को 1 मिनट और भूनकर पका लेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टमाटर को 1 मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं कितने अच्छे से टमाटर गल चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 कप पानी। ये सारी चीजों को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और 2 सीटी लगने तक इंतजार करेंगे। 2 सीटी लगने के बाद अब हम गैस को बंद कर दिए हैं और आधा प्रेशर खत्म होने के बाद हम ढक्कन खोलेंगे। सब्जी को और ज्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। लीजिए, हमारी होटल ढाबे जैसी सब्जी बनकर तैयार है। तो एक बार इस तरीके से आप जरूर बनाएं। हमें कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से किया करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।